चलो कि जो है 1,89,00,000 का जो है बजट उन्होंने सांसद कोटा से दिया है और वो इस हमारा जो देख रेख में ये सारे काम हो रहा है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जो माननीय ललई बाबा कि इन्हीं की वजह से ये सारा विकास हुआ है। मैं यहाँ पर देखा था आज के 6-7 साल पहले मैंने देखा था ये जो मंदिर था एक प्राचीन मंदिर भी था बहुत पहले ही यहाँ तमाम प्रकार की गंदगी फैलाते थे तमाम प्रकार के शराबी और गजेड़ी बैठ करके अपना गुंडई और शराबी शराबखाना अड्डाखाना बना करके ललई बाबा के अंडर में सारा काम गया। ललई बाबा ने इतना आगे बढ़ाया 5 सालों के अंदर कि अब क्या आपसे बताएं। नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। अभी जहां हम खड़े हैं ये हनुमान मंदिर है और ये हनुमान मंदिर उकड़ा का है और आप देख भी सकते हैं ये बस्ती डुमरियागंज मार्ग है और इसी मार्ग पे ही यह उकड़ा का पोखरा है। ये काफी पुराने जमाने से ही बहुत प्रचलित है। ये पोखरे का नाम जो यहाँ के लोकल लोग होंगे उनको बहुत अच्छी तरह से ये पता होगा कि उकड़े का पोखरा किस लिए भी पहले विख्यात था। फिलहाल अभी जो ये हनुमान मंदिर है, जैसा कि मैं कहूँगा कैमरामैन साहब एक बार दिखाइए, ये हनुमान मंदिर है और ये हनुमान मंदिर कुछ दिनों से काफ़ी चर्चाओं में भी है और चर्चा का कारण भी है, कारण कि कम से कम ये किसी प्रतिनिधि के नज़र में आ चुका है। जैसा कि आप चैनल पे कल देखे भी होंगे कि उस चैनल पे एक ऐसा भी मंदिर था भगवान शंकर का जो कि जनप्रतिनिधियों की नज़र से शायद काफ़ी दूर था क्योंकि वहाँ पे उस तरह से कोई भी चीज़ें जो जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा रखते हैं लोग वो नहीं मिल पा रही थी और वहाँ के महंत तो उनके जो पुत्र थे उन्होंने उस पे अपना कह सकते हैं कि खीज भी निकाला था जनप्रतिनिधियों के खिलाफ। तो ये फिलहाल तो आपको उकड़ा पोखरे का जो ये मंदिर है हनुमान मंदिर उसको हम आपको दिखाना चाहेंगे और आप उसको देखिए, क्योंकि ये कल यहाँ पे माननीय हरीश द्विवेदी जी जो सांसद हैं और चूंकि सांसद का टिकट भी पा चुके हैं जैसा कि लिस्ट फाइनल हुई है बीजेपी की बस्ती से, तो ये बस्ती क्षेत्र में ही आता है उकड़े का पोखरा और बस्ती डुमरियागंज मार्ग पे है ये मंदिर। पहले तो आपको दिखाएंगे जिस तरीके से इसकी भव्यता धीरे धीरे बढ़ रही है और बन रही है, चूंकि यहाँ पे जिस तरीके से आप ये इसको दिखाइए पूरे मंदिर को और इस भव्यता को आप बड़े ही अच्छे चीज से देख सकते हैं। ये भगवान हनुमान जी का ये मंदिर और भी भव्य होने वाला है। हम कहेंगे पूरा ये मंदिर पूरा आप जिस तरीके से देख रहे हैं और यहाँ की सुंदरता देख रहे हैं, साफ सफाई देख रहे हैं और जिस तरीके से कुछ दिन पहले अगर इस मंदिर पे आप आके देखे होते तो शायद ये मंदिर गुमनामी के अपने समय में जी रहा था, लेकिन फिलहाल जिस जिन प्रतिनिधियों के नाते कह लें या उन प्रतिनिधियों की दृष्टि यहाँ पे पड़ी और ये मंदिर आज आपको इस रूप में दिखाई दे रहा है। और कुछ यहाँ के लोगों से भी जानना चाहेंगे, जैसा कि हमको सूत्रों के हवाले से पता भी चला था कि समथिंग 2 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे कल सांसद जी अपने द्वारा देने वाले हैं और जिस भी निधि से वो देने वाले हैं वो पूछना चाहेंगे और यहाँ के लोगों से बात करना चाहेंगे जो अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कल 2 करोड़ रुपया किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है और यहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ें होंगी जो यहाँ की सुंदरता को और भी बढ़ाएंगी। फिलहाल अभी आज आप लोग देखे ही, मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन साहब वो पोखरा भी दिखाइएगा जिस तरीके से पोखरा है। इस पोखरे के नाम पे आपको 2 करोड़ रुपए कल मिलने वाले हैं, इसका क्या सुंदरीकरण होना है वो भी आपको यहाँ पे मौजूद कुछ लोग हैं जिससे मैं जानना जरूर चाहूँगा और उनसे पूछना भी चाहूँगा। फिलहाल आपको अभी ये पोखरा हम दिखाना चाह रहे हैं और इस पोखरे की सुंदरता आपको दिखाना चाहते हैं और जब ये इसमें आपको जिस तरीके से पता चला है कि 2 करोड़ रुपये इसके सुंदरीकरण के लिए ही मिलने वाला है और भी क्या क्या चीज़ें उसमें होने वाली हैं वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी आपको यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे झंडे लग रहे होंगे ये भगवा रंग से पूरा मंदिर अभी सराबोर है। ये भगवा रंग जिस तरीके से
बीजेपी की भी पहचान बनी है। उसी तरीके से आप देख भी सकते हैं कि पूरे मंदिर पे आपको भगवा ही भगवा झंडा दिखाई देगा। और कल यहाँ पे जिस तरीके से सांसद जी इस चीज का उद्घाटन करने वाले हैं, वो पूरा नज़ारा कल का आप वो देखेंगे और किस किस चीज़ के लिए वो पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट होंगे, क्या क्या चीज़ यहाँ पे और इसमें बढ़ाया जाएगा या और भी क्या क्या चीज़ बनेंगे। और यहाँ पे कुछ लोग हैं तो उन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे। आ जाइए कैमरामैन साहब, एक बार उन लोगों को दिखाइए जो वहाँ पे खड़े हैं। कुछ लोग हैं, उनसे आपको बात कराना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे, चूंकि यहीं के लोकल हैं ये लोग, तो जरूर कुछ बताएंगे जितना भी जानते हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू पाठक है और सबसे पहले कौन सा न्यूज़ चैनल है, रिपब्लिक न्यूज़ टीवी की तरफ से मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ जो मुझे इसी योग्य समझा बोलने के लिए। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कल जो है 10 मार्च के दिन जो है माननीय हरीश द्विवेदी सांसद जी यहाँ पर आ रहे हैं और उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ का उद्घाटन मैं यहाँ पर ये भी बताते चलूँ कि जो है 1,89,00,000 का जो है बजट उन्होंने सांसद कोटा से दिया है और वो इस हमारा जो उकड़ा पोखरा बाबा नगर तिराहा हनुमान मंदिर जो है इसके चार इसके जो बगल में जो पोखरा आपको नजर आ रहा है इसके चारों तरफ सुंदरीकरण करने के लिए बजट दिया है उन्होंने। जबकि हमारे देखिए नगर पंचायत से हमारे मंचल मिश्रा सर भी आए हैं, उसी की देख रेख के लिए आए हैं और यहाँ पर तमाम अन्य जो है मान्यगण जो है उपस्थित हैं, तो उन सबके देख रेख में ये सारे काम हो रहा है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जो माननीय ललई बाबा जी हैं, इन्होंने जब से यहाँ पर कदम रखा जी तब से यहाँ का 100% विकास होता चला जा रहा है। बाबा जी यही हैं? हाँ, बाबा जी आए हैं। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन्हीं की वजह से ये सारा विकास हुआ है। मैं यहाँ पर देखा था आज के 6-7 साल पहले मैंने देखा था ये जो मंदिर था, एक प्राचीन मंदिर भी था, बहुत पहले ही बना था, अब प्राचीन नहीं कह सकते हैं लेकिन जो है पुराना मंदिर था। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो है पहले यहाँ कुत्ते आते थे, सियार आते थे, यहाँ तमाम प्रकार की गंदगी फैलाते थे, तमाम प्रकार के शराबी और गजेड़ी बैठ करके अपना गुंडई और शराबी शराबखाना अड्डाखाना बना करके बैठे हुए थे। ये सारी 6-7 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद यहाँ आए थे हमारे जो हमारे पूर्व प्रधान थे, पूर्व प्रधान पप्पू दुबे जी, स्वर्गीय पप्पू दुबे जी, इस टाइम जो है स्वर्गवास हो गया उनका, लेकिन जो है उनका बहुत बड़ा योगदान शुरू में रहा। वो आए, हाँ आए, यहाँ पर बजट दिया उन्होंने, यहाँ पर जो है पुनः जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ भगवान, हाँ जो है आपके द्वारा हुआ, लेकिन उसके बाद प्रधानी उन्हीं के प्रधानी के दौरान हुआ था ये, तो उसके बाद ये मंदिर का कायाकल्प होना शुरू हो गया। उसके बाद ललई बाबा के अंडर में सारा काम गया, ललई बाबा ने इतना आगे बढ़ाया 5 सालों के अंदर कि अब क्या आपसे बताएं, बहुत ज़्यादा विकास किया। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो हमारे हरीश द्विवेदी जी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही सुगम तरीके से ये बनवाने का कार्य करवाने का शुभारंभ कल करने के लिए आ रहे हैं, उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। यहाँ जब राम मंदिर, ये हनुमान मंदिर जब बन के तैयार हो जाएगा और चारों तरफ से ये क्या नाम है सुंदरीकरण जब हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर वाणिज्यिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास होगा, वाणिज्यिक क्षेत्र में होगा, धार्मिक क्षेत्र में होगा, सामाजिक क्षेत्र में होगा, मतलब लोगों की मान पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, विकास होगा, वृद्धि होगा। तो इसी बात पर मैं जो है ललई बाबा से कुछ कहलवाना चाहूँगा, ललई बाबा बताएंगे जो कहना चाहें कहें। तो बाबा जी कब आ गए थे आप इस मंदिर पे, और कैसे आपको लगा कि इस मंदिर पे जाना? 2017 में। तो क्या प्रेरणा मिली कि आप आए और मंदिर को आपने संभाला? प्रधान जी पूजा कराई हमारे द्वारा। जी जी, पूजा 2017 से आप यहाँ? 2017 पर हम हैं, यहाँ पे हैं। झाड़ू कल सांसद जी आने वाले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। आपको मिल गया 2 करोड़ रुपया? बहुत बढ़िया है। मंदिर के नाम पे? मंदिर नाम पर पूरा जवाहर मिला है जी, पूरा जवाहर मिला है। अच्छा लगा? बढ़िया लगा। अब की बार किसकी सरकार? अरे हरीश द्विवेदी मोदी जी। मोदी की हरीश द्विवेदी की? अरे हरीश द्विवेदी मोदी, दोनों दोनों की, दोनों। चलिए, तो जैसा कि आप लोग सुने भी और पाठक साहब बताए भी, मोनू पाठक नाम था उनका, यहीं के लोकल रहने वाले हैं, तो उन्होंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया भी कि वो पैसे यहाँ पे इस पोखरे का पूरा सुंदरीकरण होना है। और जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे यहाँ पे साफ सफाई अभी भी चालू है और यहाँ पे लोग इसकी साफ सफाई कर भी रहे हैं, क्योंकि कल यहाँ पे इस चीज़ का उद्घाटन करने के लिए यहाँ के जो अभी सांसद महोदय हैं वो कल आने वाले हैं। फिलहाल कल की कल आपको दिखाएंगे, आज अभी तक अभी इतना ही। फिलहाल अभी जैसे ही आप लोग बने रहें RN TV के साथ, रिपब्लिक न्यूज़ TV के साथ, मैं अमर मणि मिश्रा।